नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ एजारियस वेस्ट रूल्स 1989 यानी कि एजाडियस वेस्ट का जो रूल्स है 1989 और उसको मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग किस तरह से करना है उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सब्जेक्ट कोड है पी डी आई एस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ क्वेश्चन के अंदर आपको एजारियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स नाइनटी इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन सिक्स एट एंड ट्वेंटी फाइव ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्सन एक्ट मेड दिस रूल्स अफेक्टिव फ्रॉम ट्वेंटी एट जुलाई नाइनटीन एटी नाइन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन सिक्स एट और ट्वेंटी फाइव के तहत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी नाइन की के अंदर जो रूल्स बनाया गया है उसका इफेक्ट जो है वो 28 जुलाई 1989 के बाद किया गया है दे वेर अमेड इन 1996 और उसको वापस 1989 के बाद 1996 में अमेंडमेंट किया गया इसके बाद 2000 में किया गया इसके बाद 2003 में उसको ये रूल्स जो है उसको अमेंडमेंट किया गया है दे हैव 21 रूल्स एट शिड्यूल एंड 13 फॉर्म ये जो रूल्स है इसके अंदर 21 रूल्स है एट शेड्यूल्स है और उसका फॉर्म जो है वो थर्टीन है एप्लीकेशन रूल टू तीस रूल अप्लाई टू हेजारियस वेस्ट एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल यानी कि शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाइड किया गया है कि हेजारियस वेस्ट का इसमें एप्लीकेशन रूल टू के अंदर उसको अप्लाई किया गया है और ये शेड्यूल के अंदर स्पेशली स्पेसिफाइड किया गया है बट डू नॉट अप्लाई टू वेस्ट वाटर यानी कि वोटर वेस्ट वाटर जो होता है वहाँ पे ये रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है एंड एग्जॉस्ट गैसेस वेस्ट ए राइजिंग आउट ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम शिप्स बियॉन्ड फाइव किलोमीटर रेडियो एक्टिव वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट म्यूनिशिपल सॉलिड वेस्ट लेड एसिड बैटरीज वेस्ट एज दे आर सेपरेट रूल फॉर देम यानी कि ये जो हेजारियस फेस्ट रूल 1989 है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेजारियस वेस्ट ही आता है अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट नहीं आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं आता है गैस वेस्ट नहीं आता है लेड एसिड बेटिव वेस्ट नहीं आता है और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है वो इस सभी में ये रूल्स लागू नहीं होता है क्योंकि उसके लिए सेपरेट रूल्स बनाया गया है डेफिनेशन ऑफ रूल थ्री देर आर थर्टी सिक्स डेफिनेशन समिच आर एज अंडर लाइक ए एप्लीकेशन मीन्स ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन द एप्लाइज इन फॉर्म वन फॉर ग्रांटिंग ऑथोराइजेशन फॉर हैंडलिंग ऑफ एजियस वेस्ट यानी कि फॉर्म वन के तहत जो भी कोई पर्सन है या जो एप्लीकांट है उसको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फॉर्म वन के अंदर ग्रांटिंग किया जाए ग्रांटिंग ऑथोराइजेशन होना चाहिए और उसको हैंडलिंग एजरियस वेस्ट करता है उसको फॉर्म वन के तहत उसका परमिशन उसके पास होना चाहिए ऑथोराइजेशन मीन्स परमिशन फॉर कलेक्शन ट्रांसपोर्ट ट्रीटमेंट रिसेप्शन स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ एजाडियस वेस्ट ग्रांटेड बाई द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन फॉर्म टू यानी कि जो ऑथोराइजेशन परमिशन लिया गया है कलेक्श ये जो वेस्ट है हेजारियस फेस्ट है उसको कलेक्शन के लिए जो परमिशन लिया गया है ट्रांसपोर्ट के लिए परमिशन है ट्रीटमेंट और रिसेप्शन स्टोरेज और डिस्पोजल जो करना है उसके लिए जो परमिशन ग्रांटेड की गई है जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी के द्वारा होनी चाहिए और उसका जो ये परमिशन है वो फॉर्म टू के तहत होना चाहिए हेजारियस वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट विच बी रीज़न Of any of its physical, chemical, reactive, toxic, flammable, explosive, or corrosive characteristics causes danger or is likely to cause danger to health or environment, whether alone or when in contact with other waste or substances, and shall include waste listed in Schedule 1, 2, and 3. Disposal means deposit, treatment, recycling, and recovery of any hazardous. Waste facility means a location wherein the process identical, identi in the accidental to the waste generation, collection, reception, treatment, storage, and disposal are carried out. Hazardous waste site means a place duly approved by the competent authority for the collection. यानी कि हेजारियस वेस्ट जो है उसका साइट जो है इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने वो प्लेस को ऑथोराइज़ किया गया होना चाहिए जहाँ पे आप कलेक्शन कर सकते हैं ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्टोरेज कर सकते हैं डिस्पोजल ऑफ हेजारियस वेस्ट कर सकते हैं और ऑपरेटर ऑफ़ अ फैसेलिटी एन ओनर और ऑपरेटर ऑफ द फैसिलिटी डिफाइंड ऑक्युपायर जनरेटिंग हेजारियस वेस्ट यानी कि ऑक्यूपायर जो है वो एजियस वेस्ट जनरेट करता है वेस्ट लिस्टेड इन द शेड्यूल वन टू एंड थ्री जो कि वो शेड्यूल वन टू थ्री के अंदर होना चाहिए सेल टेक ऑल प्रैक्टिकल स्टेप फॉर सेफ डिस्पोजल यानी कि ये शेड्यूल वन टू एंड थ्री के अंदर जो हेजारियस वेस्ट को डिस्पोजल करना है उसको प्रैक्टिकली उसने स्टेप लिया होना चाहिए और उसको सेफ डिस्पोजल करना रहता है आइदर इमसेल्फ और थ्रू एन ऑपरेटर ऑफ ए फैसिलिटी यानी कि उसको सेल्फ करना है या तो इंसेल्फ करे या तो जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोरिटी दिया गया है उसके ऑपरेटर के द्वारा फैसिलिटी जो दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी गई दी गई है उसके जरिए उसको वेस्ट को डिस्पोजल करना रहता है द ऑक्यूपायर सुड सप्लाई स्पेसिफाइड यानी कि सेफ्टी इंफॉर्मेशन टू द ऑपरेटर ऑफ ए फैसिलिटी यानी कि जहाँ पे आप डिस्पोजल कर रहे हैं एस वेस्ट को उस ऑपरेटर को उसी के बारे में ऑक्यूपायर को स्पेशली जो सप्लाई कर रहे हैं उसको तो स्पेसिफाइड सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी रहता है एज पर द रूल ऑफ फोर एप्लीकेशन फॉर ऑथोराइजेशन इन फॉर्म वन बाय द ऑक्यूपायर और ए फैसिलिटी ऑपरेटर एंड ग्रांट ऑफ सच ऑथोराइजेशन विथ कंडीशन इन फॉर्म टू आफ्टर सेटिसफाई थिंग दैट देस एप्रोप्रिएट फैसिलिटीज टेक्निकल कैपेबिलिटीज एंड इक्विपमेंट टू हैंडल द वेस्ट सेफली यानी कि फोम वन और फॉम टू के तहत जो उसके अंदर मैंसन किया गया एजी एस वेस्ट के बारे में जो मैंसन हुआ हुआ है इसके लिए उसको उसके पास जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है वो होना चाहिए और सेफली हैंडल होने के लिए उसके पास इक्विपमेंट भी होना चाहिए सर्च ऑथोराइजेशन लेट्स फॉर वैलिडिटी स्पेसिफाइड बाय एसपीसीपी, अनलेस सुनर एसपीसीपी बोले तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सुनर सस्पेंडेड और कैंसल एंड देन नीड्स रिन्यूअल इन फॉर्म वन इट कैन बी रिफ्यूज आल्सो एज़ पर द रूल फाइव इफ़ द कंडीशन आर नॉट फुलफिल यानी कि इस जो भी कंडीशन लीगल है वो फुलफिल नहीं होती है तो क्या हो सकता है द ग्रांटेड ऑथोराइजेशन कैन भी कैंसल यानी कि जो आपको परमिशन दिया गया है वो ऑथोराइज एजेंसी जो है कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको कैंसल कर सकता है और सस्पेंडेड बाई द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि उसको सस्पेंड भी एस पी सी बी कर सकता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कमिटी आफ्टर एस सो कोज नोटिस यानी कि जो कमिटी उसकी रहती है वो भी आपको और एस पी सी भी जो है वो भी आपको सो कोज नोटिस दे सकता है एंड सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ द हेजारियस वेस्ट एज पर द रूल सिक्स पैकिंग लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सच वेस्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद विद द मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स मेड देर अंडर एंड इन ए कंडीशन टू विथ स्टेन फिजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स लेबल एज इन फॉर्म एट नेसेसरी एज पर द रूल सेवन यानी कि आप कोई भी एजडस वेस्ट को पैकिंग लेबलिंग या ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर एज पर द फॉर्म एट उसके ऊपर लेबल होना जरूरी है द ऑक्यूपायर और ऑपरेटर ऑफ ए फेसिलिटी सेल आइडेंटिफाई वेस्ट डिस्पोजल साइट ई आई ए एंड पब्लिक हियरिंग आर नेसेसरी एज़ पर द रूल एट डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ़ द लैंड फिल साइट सेल बी एज अप्रूव बाई एस पी सी बी रूल एट ए एंड बी यानी कि जहाँ पे आप ये डिज़ाइन और ऑपरेशन ऑफ द लैंड फिलिंग कर रहे हैं वो जो है वो एस पी सी बी के द्वारा अप्रूव किया गया होना चाहिए एज पर द रूल एट ए एंड एट बी द occupier जनरेटिंग वेस्ट एंड ऑपरेटर ऑफ ए facility सेल मेंटेन ए रिकॉर्ड इन फॉर्म थ्री यानी कि ऑक्युपायर जो वेस्ट जनरेट कर रहा है उसका ऑपरेटर के पास इस टाइप का फैसिलिटी होना चाहिए कि वो फॉर्म नंबर थ्री के तहत वो रिकॉर्ड जो है पूरा मेंटेन होना चाहिए एंड सेल सेंड एनुअल रिटर्न इन फॉर्म फोर यानी कि फॉर्म थ्री के अंदर उसको रेकॉर्ड मेंटेन करना है एंड सेल सेंड एनुअल रिटर्न इन फॉर्म फोर एज पर द रूल नाइन टू द लीगल ऑथोरिटी एनी एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट के टाइम पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो और एट द फैसिलिटी सेल भी रिपोर्टेड इमिडिएटली यानी कि अगर वो फैसिलिटी पे भी आप अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो उसको इमिडिएटली रिपोर्ट करना है टू द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानि कि एस पी सी पी और कमिटी इन फॉर्म फाइव यानी कि फॉर्म फाइव के अंदर आपको जो कमिटी है या एस पी सी बी बोर्ड है एज़ पर द रूल टेन आपको फॉर्म फाइव के अंदर जो उसका स्पेशली फॉर्म फाइव के अंदर आपको मेंशन करना है जो कोई एक्सीडेंट हुआ है वो तो उसको रिपोर्ट इमीडिएटली करना है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हेज़ वेस्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एट इज़ नॉट परमिटेड फॉर डंपिंग एंड डिस्पोजल It may be permitted for processing or reuse as raw material and after getting necessary information in Form 6 and 6A from, from the exporter and importer, both the importer shall maintain a record in Form 7A and allow inspection by the authority as per the rule 11 and 12. Rule number 13 to 15 are also for import. एंड एक्सपोर्ट यानी कि रूल नंबर तेरह और पंद्रह जो है वो भी स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए बनाया गया है रूल नाइन्टीन एंड ट्वेंटी वन आर फॉर री रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग यानी कि आपको कोई भी रिफाइनिंग करना है या रिसाइकिलिंग करना है कोई भी मटेरियल का या वेस्ट का तो उसके लिए रूल नाइन्टीन नाइन ट्वेंटी वन लागू है और रूल ट्वेंटी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेट एंड अपील सेल लाइ बिफोर द स्टेट ट्रल गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर एंड एज प्रोवाइडेड इन रूल नंबर एटीन सब्जेक्ट ऑफ शेड्यूल आर लाइक ए जैसे कि आप दोस्तों स्क्रीन में देख रहे हैं मैंने एक टेबल बनाया उसमें शेड्यूल नंबर है और इसके बाजू में सब्जेक्ट दिया गया है कि जो शेड्यूल वन है उसमें क्या आता है प्रोसेस वाइज लिस्ट ऑफ एजियस वेस्ट यानी कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको एजारियस वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको उसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए शेड्यूल टू के अंदर कॉन्सेंट्रेशन वाइज लिस्ट ऑफ़ एजारियस वेस्ट होना चाहिए शेड्यूल थ्री के अंदर लिस्ट ऑफ वेस्ट फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी कि अगर आप कोई वेस्ट को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका भी लिस्ट शेड्यूल थ्री के तहत होना चाहिए शेड्यूल फोर एंड सिक्स फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट यानी कि आप कोई वेस्ट को रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो उसको शेड्यूल फोर और सिक्स के तहत होना चाहिए शिड्यूल नंबर फाइव रिफाइनिंग ऑफ वेस्ट यानी कि आपको वेस्ट को रिफाइनिंग करना है तो उसके लिए शेड्यूल फाइव के तरफ होना चाहिए शेड्यूल सेवन ऑथोरिटीज शिड्यूल एट लीस्ट ऑफ वेस्ट प्रोहिबिटेड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट थैंक यू दोस्तों